परथे परथे आपके एमसीक्यू भी प्रिपेयर होते हैं तो मैंने सारे ही चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं सबके एमसीक्यू सीरीज करा दी है तो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट को खोलोगे पहले आपको टर्म 1 के सारे चैप्टर मिल जाएंगे और उसके नीचे फिर एमसीक्यू मिलने शुरू हो जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट है 11th इंग्लिश बाय सिमरन सानी उसमें चैप्टर भी मिल जाएगा एम सी क्यू में मिल जाएंगे ओके तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड यस अगर आपको क्लास इलेवेंथ इंग्लिश के नोट्स चाहिए समरी चाहिए एम सी क्यू क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आई डी का लिंक गिवन है इस चैप्टर के नोट्स का लिंक गिवन है मैंने इंस्टाग्राम पर इलेवंथ इंग्लिश का स्टडी मटीरियल अपलोड करा है सो इफ यू यूज इंस्टाग्राम आप जाके उसे चेक कर सकते हो अपने फोन में सेव कर सकते हो फॉर योर रिविजन ओके तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो तो पहला एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा हमारा ये केस बेस्ड क्वेश्चन वी शुड से इट तो लेट्स The carboard showed me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand and she, the big girl, some twelve years or so. तो अब आप सबसे सब पहला क्वेश्चन है, what is the poem a photograph about? तो जो ये poem है, photograph ये किसके ऊपर है, ठीक है? किसके बारे में इसमें बात हो रही है? About poet's friend, जो poet है उनकी friend के बारे में. Tribute to poet's mother, poet की जो mother है. उनके लिए एक ट्रिब्यूट है पोएट के फादर की मेमोरीज के बारे में है या पोएट की ग्रैंड मदर की मेमोरीज के बारे में है तो करेक्ट आंसर लाइव चार्ट में आप बता सकते हो एंड द करेक्ट आंसर इज बी वन दैट इज ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर जो पोएट की मदर है उनके लिए ट्रिब्यूट है ये पोएम नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज शी फील इन द पोएम यानी कि आपको ये बताना है कि पोएट जो है क्या फील करेंगे थ्रू आउट द पोएम बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में आ सकते हैं जैसे ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का जो सैम्पल पेपर है उसमें फीलिंग इंग बेस क्वेश्चन है तो लेटेस्ट क्या जो थी फील कर रही थी थ्रू आउट द पोएम पेन एंड ग्रीफ फील कर रही थी मदर सैड एंड नोस्टाल या ऑल तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन येस वो पेन में भी थी बिकॉज शी वॉज मिसिंग हर मदर वो मिस कर रही थी अपने मदर को एंड वो सैड ऑल्सो नोस्टालजिक वो पुरानी यादों को याद कर रही थी सो वो नोस्टालजिया में भी थी तो करेक्ट आंसर इज डिवन दैट इज ऑल क्वेश्चन हु वॉज नॉट इन द फोटोग्राफ तो आपको बताना इनमें से

पेपर का वुड का या क्लोथ का तो करेक्ट आंसर फर्स्ट वन दैट इज कार्डबोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द कार्डबोर्ड शोज द फोटोग्राफ ऑफ डैश किसकी फोटोग्राफ शो कर रहा था पोएट मदर की पोएट पोएट के कजन कजन की की मदर मदर विद विद हर हर या नन तो करेक्ट आंसर इज सी वन पोएट्स अब कई बच्चे एग्जाम में पोएट मदर कर देंगे अच्छा उनकी मदर की थी नो बट दो जन और भी थे उस फोटो में दैट वॉज पोएट्स मदर्स कजन डोलियन बेटी तो सी वन इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ईच ऑफ टू गर्ल्स फॉर होल्डिंग वन ऑफ हैंड दोनों लड़कियों ने किसका हाथ पकड़ रखा था डेम सेल्स अंकल्स मदर्स या फादर्स तो करेक्ट आंसर मदर्स बिकॉज ने क्या बोला ऊपर ईच वन ऑफ देम होल्डिंग माई मदर्स हैंड तो करेक्ट आंसर है रिवन मदर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द बिग गर्ल इज ऑफ द एज बिग गर्ल की एज क्या है टेन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स नाइन ईयर्स थर्टीन ईयर्स तो करेक्ट आंसर ट्वेल्व ईयर ऊपर केस में सब पैडलिंग मीन्स पैडलिंग वर्ड का मतलब क्या है टू वॉक इन द वॉटर दैट इज नॉट वेरी डीप टू टर्न रन क्विकली टू लाफ लाउडली या टू स्केप अवे तो करेक्ट आंसर इज ए वन टू वॉक इन द वॉटर दैट इज नॉट वेरी डीप जैसे समुद्र के किनारे पे जो पानी या लहरे ऐसे आती रहती है उनमें हम लोग चल सकते हैं जो समुद्र देखा अपने बीच देखी है तो बीच का कुछ ऐसा हिस्सा होता है समुद्र का जहां तक हम जा सकते हैं उससे आगे बहुत गहरा हो जाता है तो जो गहरे से पहले वाला हिस्सा होता है जहां पे हम जा, चले जाते हैं चलने लगते हैं उसे कहते हैं पैडलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर ऑन द बोथ साइड ऑफ अदर अंकल ब्रदर डॉली एंड मॉली कजन बेटी एंड डॉली तो करेक्ट आंसर इज डी वन दैट इज कजन बेटी एंड डॉली तो गाइस कई बार ना एग्जाम में तुम भूल जाओगे कि दोनों कजन नाम का नाम क्या था तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे डॉली और मॉली थे तो यह छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स याद रखना कजन का नाम था बेटी एंड डॉली तो करेक्ट आंसर इज डी वन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा सेकंड केस सेकेंड एक्स्ट्राक्श हो गया ऑल थ्री स्टूड स्टिल To smile through their hair at the uncle with camera, a sweet face. My mother's that was before I was born, and the same which appears to have changed less was their terribly transient feet. फीट so, तो अगर तुम्हें तो चैप्टर समझना है ना पोएम समझनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इवन है ताकि आप पोएम पढ़ सकते हो मैंने बहुत ब्यूटिफुली एंड बहुत डिटेल्ड वे में से पोएम को समझाया सो दैट एक भी जगह ऐसे नहीं हो जो आपको समझ में ना आए सो कैंड गो एन वॉज द पोएम फर्स्ट अगर अभी तक नहीं पढ़िए तो लेट्स द अंकल वॉज होल्डिंग अंकल के हाथ में क्या था कैन कप कैमरा तो करेक्ट आंसर इज डी वन दैट इज कैमरा ने सिमिलर मीनिंग ऑफ मूमेंट्रीज वर्ड मोमेंट्री का मतलब क्या देखो ऊपर जो पैराग्राफ्रैक्ट जो है पे एक वर्ड यूज हुआ है सिमिलर टू मोमेंट्री है साइलेंसम ट्रांजियम चेरेबली तो करेक्ट आंसर है सी so, ट्रांको मैं ऊपर दिखाती हूँ मोमेंट्री मतलब क्या होता है कुछ जो टेम्प्रेरी होता है ठीक है और ट्रांजिएंट फीट यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट जो पैडलिंग जब वो कर रहे थे ना समुद्र के किनारे पे जब वो उनकी मदर और दोनों बच्चियाँ तो जब आप गीली मिट्टी पे पैर रखते हो तो आपके पैर के निशान पड़ जाते हैं बट जैसे ही जो समुद्र का पानी आता है लहरें आती है तो वो जो है फिर से मिट्टी के ऊपर से जब जाती है तो पैरों के निशान हट जाते हैं तो लिखा है एंड द सी विच अपीयर टू हैव चीन लेव वॉज द टेरिबली ट्रांजियंट फीट तो ट्रांजियंट मतलब क्या हुआ मोमेंट्री जो छापे जो थे पैर के थोड़ी सी देर के लिए पड़े थे फॉर सम

तो फोटोग्राफ में क्या चेंज नहीं हुआ है पोएट ने हमें बताया भी है कि इतना समय हो गया बट वो चेंज नहीं, नहीं, नहीं हुआ, हुआ तो बताओ ए लाफ्टर बी सी सी मदर या डी अंकल तो करेक्ट आंसर बी दैट इज द सी वो कहती है थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ तो क्या कर करेंगे स्टैंडिंग बिसाइड हाउस इस प्रेंग टू गॉड होल्डिंग हैंड्स एंड स्माइलिंग थ्रू हेयर्स तो करेक्ट आंसर डी वन होल्डिंग हैंड्स एंड स्माइलिंग थ्रू हेयर्स क्लिक फोटोग्राफ कब की क्लिक हुई भी है वन द पोएट मर वॉज ट्वेल्व पोएट की मदर मर ट्वेल की थी वन द पोएट मदर वॉज अबाउट ट्वेल्व जब

करेक्ट आंसर विल बी मॉटल मॉटल मतलब क्या होते हैं जिंदा लोग ह्यूमन बींग्स वी मॉर्टल जो हम सांस ले रहे हैं वी कैन डाई एनी टाइम मॉर्टल पीपल ठीक है तो मॉर्टल वर्ड यूज होगा यहाँ पे द सी वॉज वॉशिंग दे अ मॉर्टल फीड ठीक है तो ह्यूमन बींग्स के फीट मॉर्टल होते हैं इसलिए हमने यहाँ मॉर्टल वर्ड यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज एनसीआर टी क्वेश्चन टेक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ट्रांजेंड तो आपको ट्रांसजियंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो सी वन इज करेक्ट टी आर ए एन एस आई ई एन टी ये है ट्रांसजेंड की करेक्ट स्पेलिंग शुरू हो गया ओके नेक्स्ट एक्सट्राक्टर हो गया अब हमारा सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शीट से एंड लुक हाउ दे फॉर द बीच ओके तो ये नेक्स्ट एक्स्ट्रैक्ट है जिसमें उनकी मदर जो है हंस रही हैं देख के उन फोटो को तो लेटेस्ट सी आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड हा मदर लाफ ऑन सींग फोटोग्राफ कितने सालों बाद वो हंस रही थी ट्वेंटी वन ईयर्स ट्वेंटी थ्री ईयर ट्वेल्व ईयर या ट्वेंटी फाइव ईयर तो करेंट बताओ कमेंट सेक्शन में कितने सालों बाद जो है उनकी मदर हंसती थी उन फोटोग्राफ्स को देखकर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट डिज द मदर शो टू हर डॉटर वाइल्ड शोइंग हर द फोटोग्राफ तो उनकी मदर क्या दिखा रही थी फोटोग्राफ शो करके हर अंकल इन द फोटोग्राफ अंकल को दिखा रही थी अपनी कजिन्स दिखा रही थी ऑप्शन थर्ड दैट इज हर फीट इन द फोटोग्राफ अपने पैर दिखा रही थी या ऑप्शन नंबर फोर हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड फॉर द बीच या फिर ये दिखा रही थी देखो हमारे पेरेंट्स हमें कैसे ड्रेस करा था बीच के लिए तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन वो यही दिखा रही थी देखो कैसे तैयार करा था हमारे को बीच के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट शुरू हो गया हमारा ये द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइंड इज अ लाफ्टर बोथ अथराय विथ लेबर्ट इज ऑफ लॉस तो आपको पता है जैसे कि वो बताती हैं दैट सी हॉलीडे मेरी मम्मी का जो था पास्ट टाइम था और मेरा क्या है उनका लाफ्टर जैसे ये पोएम में ये सबसे स्पेशल चीज़ थी पोएम की वो बताती है कि जब मेरी मदर उस फोटोग्राफ को देखती थी तो वो अपना बचपन याद करती थी और आज जब मैं उस फोटोग्राफ को देखती हूँ तो मैं अपनी मदर को याद करती हूँ हंसते हुए उस फोटोग्राफ को देखते हुए तो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट

लाफ्ट मुझे उनकी हंसी याद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करा बट दिस यू हैव टू टेल मी डेट ये जो वर्ड है लेबर्ट इज इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है डू टेल मी नाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑक्सीमर ट्रांसफर्ड एपिथेट एलिट्रेशन या फिर तो बताओ कौन सा जो है पोइटिक डिवाइस यूज हुआ इन दिस

फोटोग्राफ है जन है पोएट की मदर की या सिस्टर ऑफ पोएट तो करेक्ट आंसर इज बी वन पोएट्स मदर इन फोटोग्राफ फोटोग्राफ्स वट ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज इन द पोय अब आपको ये so, Bevan, question, आ, आप बताना, आप है, बता बताना है कौन बताना है, है। इनमें से कौन से वर्ड में ऑक्जीमोरॉन यूज हुआ है ट्रेरिबिली ट्रांजियन थ्रू देयर बोथ राय या लेबर्डीज so, तो करेक्ट आंसर इज डी वन दैट इज लेबर्डीज पर मैंने आपसे क्वेश्चन भी करा था लेबर लेबट इज में पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है कौन सा हमारा ऑक्सीमरन हाउ मेनी फेजेस वर डिपेक्टेड इन द पोएम बाय द पोएट तो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कितने फेस डिपेक्ट करें हैं वन टू थ्री या फोर तो करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर और जो जो आंसर मैंने आपको कमेंट में बोलने को कहे हैं देट आईल राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज नेम पोएम एंड द पोएट एंड जैसे कि आपको पता है पोएम एंड पोएट का नेम हमेशा आप लोग बताते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिकॉज इससे मुझे पता चल रहा है किस बच्चे ने लास्ट तक एम्स की मैरथोन को है और कितने बच्चों ने को याद है पोएट एंड पोएट का नेम ठीक है पोएट और पोएम का नेम ओके okay? जैसे कि एग्जाम के लिए आपको स्पेशली लर्न ना करना पड़े ऐसे ही वीडियोज़ के बीच बीच में आपको सब कुछ लर्न हो जाए ओके तो विद दिस गाइड Let's end this video. और जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला थान में डाउन इन द कमेंट सेक्शन जिनका आंसर मैंने आपको नहीं बताया टू टू थ्री क्वेश्चन तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करी इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर के आस वॉज अ शॉर्ट पोएम तो इसके पास हमने थर्टी क्वेश्चन करें बाकी चैप्टर्स के हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं फोर्टी प्लस फिफ्टी ऑल्सो डिपेंस ऑन दफ्टिसक एमीस्ट वीडियो